नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हर टीवी खास बुलेटिन में। खबरों की शुरुआत करेंगे हरिद्वार से। गढ़वाल मंडल आयोग ने हरिद्वार में ली समीक्षा बैठक। आज हरिद्वार पहुंचे आयोग गढ़वाल मंडल सुशील कुमार ने हरिद्वार जिलाधिकारी एवं पुलिस कप्तान के साथ रोशनाबाद स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव की सुरक्षा के दृष्टिगत विचार विमर्श किया और उन्होंने कोविड-19 के तहत कैसे चुनाव करवाना है इसकी तैयारियों का जायजा भी लिया। चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था के जरूरी दिशा निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने की नगर पालिका कर्मचारियों के साथ मारपीट। कल हरिद्वार में रानीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव आचार संहिता लगने के बाद होर्डिंग्स और बैनर उतार रहे नगर पालिका कर्मचारियों के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं की नवोदय नगर में बहस हो गई। बहस धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि वह मारपीट में तब्दील हो गई। नगर पालिका कर्मचारियों का आरोप है कि हम अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं ने हमारी बात को अनसुनी कर हम पर हमला कर दिया। अब देखना यह होगा कि कोई कार्रवाई अमल में लाई जाती है या नहीं। पुलिस ने पकड़ी 40 लीटर कच्ची शराब, लेकिन आरोपी फरार। कल हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बाणगंगा क्षेत्र में छापेमारी की, जिसमें पुलिस ने 40 लीटर कच्ची शराब के साथ साथ शराब बनाने वाले उपकरण बरामद किए, लेकिन पुलिस के पहुंचते ही आरोपी नाव में बैठकर फरार हो गए। पुलिस ने 4 शराब माफियाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिनके खिलाफ दबिश दी जा रही है। झाड़ू के गोदाम में लगी आग। कल रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के शेरपुर गांव के पास देर रात एक झाड़ू के गोदाम में आग लग गई। धुआं उठता देखकर क्षेत्रवासियों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाने का काम शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे आग विकराल रूप लेती जा रही थी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने मंगलौर से एक और टीम बुलाई। आग को बुझाते बुझाते करीब 7 घंटे लग गए, लेकिन जब तक सूचना के अनुसार 40 लाख का सामान गोदाम में जलकर राख हो चुका था, जिसमें फायर ब्रिगेड के लीडिंग मैन अतुल सिंह राणा भी घायल हो गए। फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज लगने का कार्य शुरू। आज हरिद्वार में फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज लगने का कार्य शुरू हो गया है। लगभग 48,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज लगने का कार्य होगा, जिसमें हरिद्वार जिलाधिकारी ने बताया कि जो भी व्यक्ति चुनाव में ड्यूटी देगा उसको डोज लगना बहुत जरूरी है। और उन्होंने कहा, जब भी हम ट्रेनिंग देंगे तो वहां पर वैक्सीनेशन सेंटर भी बनाया जाएगा। निशंक ने कराई भाजपा पार्षदों की वापसी। हाल ही में रुड़की नगर निगम के 14 भाजपा पार्षदों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद पार्टी में हलचल मच गई थी। कल देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने सभी भाजपा पार्षदों एवं मेयर को देहरादून अपने आवास पर बुलाया था। इसके बाद वहां तकरीबन 1.5 घंटे तक बैठक चली। भाजपा पार्षदों ने अपनी मांग और नाराजगी निशंक के सामने जाहिर की। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं भाजपा संगठन मंत्री अजय कुमार से बात की, जिसके उपरांत सभी भाजपा पार्षदों ने पार्टी में आस्था व्यक्त करते हुए अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। राजनीतिक पार्टियां चुनाव में मस्त, जनता की नहीं है किसी को चिंता। आज हरिद्वार में पत्रकारों से वार्ता करते हुए भारतीय हिंदू वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रमोहन कौशिक ने कहा है कि जिस तरीके से उत्तराखंड एवं भारत में ओमिक्रोन के केसेस बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ चुनाव हो रहे हैं, किसी भी राजनीतिक पार्टी को जनता की चिंता नहीं है और कोई भी जनता के प्रति गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा है, इसलिए सभी जनता को अपनी सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए और कोविड गाइडलाइंस का पालन करें और मास्क अवश्य पहनें। धर्म संसद पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब। 17-18-19 दिसंबर को हरिद्वार में आयोजित हुई धर्म संसद पर एक PIL दाखिल होने के बाद संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी उत्तराखंड सरकार से जवाब तलब किया है। हालांकि उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में एक SIT गठित की थी, जो धर्म संसद के मामले को लेकर जांच कर रही है। लोगों ने शातिर चोरों को की दुनाई। आज हरिद्वार के राजा गार्डन स्थित 2 बाइक सवार चोर जब मोबाइल छीनकर भाग रहे थे तो उनकी बाइक ई रिक्शे से टकरा गई। आसपास के क्षेत्रवासियों ने उनको घेर लिया और जमकर धुनाई की, जिसके बाद लोगों ने उन्हें जगजीतपुर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चोर बाइक के नंबर प्लेट पर काला टेप लगाकर वारदात को अंजाम देते थे। हरिद्वार पहुंचकर मनीष सिसोदिया ने लिया आशीर्वाद। आज उत्तराखंड के दौरे पर हरिद्वार पहुंचे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कनखल स्थित जगतगुरु आश्रम में शंकराचार्य राजराजेश्वर आश्रम महाराज से मुलाकात की और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आशीर्वाद दिया। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कांग्रेस और भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि इन दोनों पार्टियों ने उत्तराखंड को 20 साल में लूटा है। हम दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में भी लोगों को बेहतर चिकित्सा, बेहतर स्वास्थ्य और रोजगार देंगे। अब चलते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों की तरफ। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को पार्टी ने किया पदमुक्त। आज उत्तराखंड कांग्रेस के चुनाव प्रभारी देवेंद्र यादव ने एक पत्र जारी करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ नेता किशोर उपाध्याय को पार्टी की जिम्मेदारियों से पदमुक्त कर दिया है। देवेंद्र यादव ने पत्र में लिखा है कि किशोर उपाध्याय पार्टी के खिलाफ गतिविधियों में संलिप्त है, जिसके कारण उनके खिलाफ यह कार्रवाई हो रही है। हाल ही में किशोर उपाध्याय ने भाजपा के बड़े नेताओं से भी मुलाकात की थी। उत्तराखंड में कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज उत्तराखंड में कोरोना के 2,915 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मामले देहरादून में दिखाई दे रहे हैं,
देहरादून में आज 1361 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद नैनीताल में 424, हरिद्वार में 374 और उधम सिंह नगर में 217 नए मामले सामने आए हैं। चलते हैं खेल की खबरों की तरफ। वहीं साउथ अफ्रीका में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन भारत की पहली पारी 223 रन पर ऑल आउट हो गई थी। जवाब में खेलने उतरी साउथ अफ्रीका की पहली पारी 210 रन पर ऑल आउट हो गई, जिसमें भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट झटके और वहीं साउथ अफ्रीका के लिए पीटरसन ने 72 रन की पारी खेली। और वहीं न्यूज पढ़े जाने तक भारत की दूसरी पारी भारत ने 2 विकेट खोकर 24 रन बना लिए हैं। अब फुटबॉल की खबर। वहीं आज रात को इंग्लैंड के लीग कप के सेमीफाइनल के सेकेंड लेग में टोटेनम का मुकाबला चेल्सी से होगा, जिसमें पहले लेग में चेल्सी ने टोटेनम को 2-0 से हराया था। खबरों को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट www.haritv.in पर विजिट करें। धन्यवाद।